सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन, और मैं हूँ मल्लिका शर्मा। कल के खास कार्यक्रम में हम अपने टैरो के विषय में हमने आपको बताया था किस प्रकार आप टैरो जोड़कर अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। टैरो और ग्रहों के समावेश में भी क्या कुछ ऐसा कुछ है जिसको जानकर हम अपने जहन के तमाम प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं, तो चलिए आज इसी विषय से जुड़ी जानकारी लेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, जी हाँ न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड एक्सपर्ट आचार्य विजया जी से आज फिर से शुभारंभ करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम का। बात करेंगे आचार्य जी के साथ। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य जी। कल बहुत ही खूबसूरत बातें आपने टैरो कार्ड से जुड़ी हमें बताई थी, अब आप हमें बताएं कि ग्रहों का समावेश किस प्रकार होता है टैरो में। जी देखिए, कई बार क्या होता है कि टैरो कार्ड से हम बता सकते हैं किसी भी जो जातक है उसके जीवन में कौन से ग्रहों का ज़्यादा समावेश है, कौन से ग्रहों की छाया उस पर ज़्यादा है। जैसे ऐसे कई टैरो कार्ड्स भी हैं जो बताते हैं कि एक जो व्यक्ति है वो जैसे शुक्र उसके अंदर ज़्यादा है, वो शुक्र से पीड़ित है या उसमें शुक्र का समावेश है। ऐसे भी हमारे पास कार्ड्स होते हैं जो कि बताते हैं कि जो एक व्यक्ति है उसके जो अंदर बहुत ज़्यादा राहु का प्रभाव है, वो राहु से ग्रसित है, उसकी राहु। मैं कई बार टैरो कार्ड देख के बता देती हूँ, उसको ज्योतिष से जोड़ देती हूँ। देखिए, ये सब जो विद्याएं हैं ना, ये सब जुड़ी हुई हैं, चाहे टैरो कार्ड हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो, एक वटवृक्ष है, उसकी शाखाएँ हैं। अगर इनको जोड़ के चला जाए तो बहुत अच्छा एक समावेश बन के निकलता है। तो मैं इससे बता देती हूँ कि आपका राहु की दशा चल रही है, क्योंकि जब भी इसमें ऐसे कार्ड्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि इसके जीवन में काफ़ी नकारात्मकता चढ़ती जा रही है या कुछ ऐसा व्यसन के अंदर ये बच्चा जाता जा रहा है, या जातक के प्रभाव, अगर किसी जातक में बृहस्पति के प्रभाव हैं वो भी हम इससे बता सकते हैं टैरो कार्ड से, या किसी को मेडिटेशन की ज़रूरत है वो भी हम बता सकते हैं, कौन बिजनेस माइंडेड है, कौन कलात्मक व्यक्ति है वो भी टैरो कार्ड से बताया जा सकता है। कई ग्रहों का भी सूचक इसमें रहते हैं, राहु के, शुक्र के, बृहस्पति के, कई ऐसे कार्ड्स हैं जो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में किस ग्रह का ज़्यादा प्रभाव है वो हमें कार्ड के द्वारा पता लग जाता है, और किसका नकारात्मक प्रभाव है वो भी पता लग जाता है। तो हम उस व्यक्ति को उसकी रेमेडीज कराते हैं, जिसका ज़्यादा करना होता है ग्रह तो उसको उच्च का कराते हैं, और जो कम करना होता है उसकी रेमेडी करा देते हैं। जी, रेमेडीज आप बताती हैं, कई बार आप, हमने देखा है काफ़ी सारे टैरो कार्ड रीडर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप इस रत्न को पहनेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा, आप किस प्रकार की रेमेडीज बताती हैं, क्योंकि हमने कहा है आपकी जो रेमेडीज होती है वो हट के होती है, तो हम चाहेंगे थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आप हमें बताएं। देखिए, जो मेरी रेमेडीज़ रहती हैं वो ज़्यादातर कलर थेरेपी के ऊपर रहती हैं कि आप इस रंग के कपड़े पहने, आप ऐसी बेडशीट लगाएं, या आप ऐसा टॉवल यूज़ करें, ऐसा रूमाल रखें जिसमें कि रंगों का समावेश होता है, उस ग्रह के रंग जो होते हैं। देखिए, कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, वो भी है क्या, वो उस ग्रह का, आप किसी ग्रह को तो अपने हाथ में बांध नहीं सकते ना, वो एक तरीके की कलर थेरेपी होती है, चाहे आप स्टोन से करें, चाहे आप कपड़ों से करें, चाहे आप रत्न से करें। तो मैं इसको कपड़ों से ज्यादा कराती हूँ, उन कलर्स को उस व्यक्ति के जीवन में जोड़ देती हूँ कपड़ों के द्वारा। जी, रंग कितना प्रभावित करते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व को, आप हमें बताएं। जी बिल्कुल प्रभावित करता है। आप एक दिन एक व्यक्ति को पूरा काला रंग पहना दीजिए, पूरा ऊपर से नीचे तक, देखिए वो कितना लॉस्ट रहता है। आप आज भी जाएंगे अगर किसी भी नाइट क्लब्स होते हैं, उसमें पब्स होते हैं जो रात को जाते हैं ना, आप देखेंगे वो लोग काले कपड़े लोग ज़्यादा पहन कर जाते हैं, और वहाँ पर होता क्या है आप खुद देखें। और वैसे ही अगर एक व्यक्ति आपके सामने सफ़ेद कपड़े बिल्कुल पहन कर आता है तो कितनी आपके अंदर उसके लिए एक रिस्पेक्ट आ जाती है, एक अच्छा सा ऑरा वो छोड़ता है। क्या है, वो शुक्र ज़्यादा हो गया। जब आपने काले कपड़े पहने तो राहू का प्रभाव पड़ गया, जब आपने पिंक कलर पहना या लाइट पिंक कलर पहना, स्काई ब्लू कलर पहना, तो वो भी शुक्र का प्रभाव हो गया। तो आपका जो मन है, जो मूड है, आपके कार्य भी उसी प्रकार से चलते चले जाते हैं। और अगर कोई जातक है, अगर उसकी राहु की महादशा चल रही है, राहु उसका कई गलत जगह पे बैठा है, घर उसकी कुंडली के हिसाब से, इनकार्ड्स के हिसाब से उसका जो नक
नकारात्मक प्रभाव दे रहा है और वो पूरे काले कपड़े पहन के अगर घूमेगा तो उसके जीवन में बहुत ही बाधाएं आ जाएंगी, उसकी सोच जो है वो नकारात्मक हो जाएगी, वो किसी भी तरह के नशे के अंदर जाता जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है रंगों का, कलर थेरेपी का एक व्यक्ति के जीवन में। जी आचार्य श्री, दो ऐसे ग्रह हैं जैसे सूर्य और चंद्रमा जिनके हम दर्शन करते हैं और साक्षात दर्शन करते हैं रोजाना, इन दोनों को किस प्रकार प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ विशेष रेमेडीज की जा सकती हैं जिससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, तो हम चाहेंगे वो भी आप हमें जरूर बताएं। देखिए पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव की। देखिए अगर आप सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो लाल रंग का आप प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप अगर आपको दान करना है तो आप गेहूं का, अनाज का दान करें, और जो आप इसमें क्या है खाली कलर्स के अलावा आप पदार्थ भी यूज़ कर सकते हैं। आप तांबे के बर्तन का आप अपने जीवन में उपयोग करें, तांबे के ग्लासेस आने लग गए आजकल तो बोतलें आती हैं, जग आते हैं, उनका प्रयोग आप ज़्यादा करें। पहले देखिए आप लोग पीतल में और तांबे के बर्तनों में खाना खाया करते थे, उनका अपने आप बृहस्पति और अपना सूर्य उनका अच्छा होता चला जाता था। आजकल प्लास्टिक की प्लेटों में, केमिकल की प्लेटों में लोग खाना खाते हैं तो उसी तरह की उनकी बुद्धि हो गई है, बहुत शॉर्ट टर्म वो लोग सोच रहे हैं जीवन के बारे में। हमेशा बर्तन, चलिए आप स्टील भी एक शनि का कारक रहता है मगर प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग भी कम करना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको सूर्य को उच्च करना है तो आपको ब्रास के जो बर्तन होते हैं उनका, तांबे के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। आपको जल चढ़ाना चाहिए सूर्य को, थोड़ी सी रोली डालकर, लाल रंग का रुमाल अपनी जेब में रखना चाहिए, रोली मूली आपको मूली हाथ में बांधनी चाहिए, रोली का तिलक करना। लाल रंग का आप उपयोग जितना करेंगे, क्यों आप कोई भी पूजा शुरू करते हैं तो पहले आपके मस्तक पे मूली लगाई जाती है या हाथ में रोली लाल ही रंग की बांधी जाती है, क्योंकि आपका सूर्य अच्छा हो, अगर आपका सूर्य अच्छा है, आपका तेज अच्छा है, आपके फादर का आपके ऊपर आशीर्वाद है, सरकार का आपके ऊपर कृपा है, तो आपको जीवन में क्या चाहिए। दूसरा आपका प्रश्न कि आपको चंद्रमा, देखिए चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, अगर आपको अपना चंद्रमा अच्छा करना है तो और खुश रहना है और अपना मन अच्छा रखना है, देखिए मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, अगर आपका मन ही अच्छा नहीं है, आपका चंद्रमा ही अच्छा नहीं है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, नेगेटिव है, हमारे कार्ड्स में भी कई बार आ जाता है कि इस व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा नहीं है, नकारात्मक सोच रख रहा है, कलात्मकता नहीं रहती है जिनका चंद्रमा खराब होता है, तो आपको अपनी माँ के चरण स्पर्श करने चाहिए, आपको चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए, आपको सफ़ेद रंग का उपयोग करना चाहिए, आपको मोती पहनने चाहिए, आपको पूर्णमासी के दिन आपको चंद्रमा के सामने बैठकर थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए या उसको टकटकी लगाकर चंद्रमा को देखना चाहिए, आप देखेंगे कितने पॉजिटिव हो जाते हैं। देखिए पूरी दुनिया चंद्रमा के ऊपर ही तो चल रही है, सारे ग्रह नक्षत्र सारे जो ग्रहण हैं वो सब सूर्य चंद्रमा से ही तो है, तो जो पूरी सृष्टि चल रही है, जो दिन रात होते हैं ये सब सूर्य चंद्रमा का ही तो खेल है, ये राजा और रानी कहे गए हैं ग्रहों के। अगर आप इनके अच्छी रेमेडीज करें, इनके उपाय करें तो आपकी कुंडली कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आपके जो कार्ड्स हैं वो कैसे भी क्यों ना आए, आपके जीवन में काफ़ी अच्छे प्रभाव आ सकते हैं। बिल्कुल, यदि आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, कार्यक्रम से जुड़ी कोई क्वारीज हैं, नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारी ईमेल आईडीज आ रही हैं, आप उस ईमेल आईडी पर संपर्क करके विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, इस खूबसूरत चर्चा के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं। नूडल्स? नो जंक फूड जी, करेला चश्मा नहीं लगेगा, और जानती हो हरी सब्जियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी, और ब्रोकली से इम्यूनिटी, और मेरे बालों के लिए हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। अपने बालों को रोज दीजिए वीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन, और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर आचार्य विजया जी। एक बार फिर से स्वागत करेंगे आचार्य जी का। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाता है, संपर्क नहीं हो पाता है, आप पुनः प्रयास भी कर सकते हैं, क्वारीज करना चाहते हैं, कोई प्रश्न है, नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारी ईमेल आईडीज आ रही हैं, आप उन ईमेल आईडी पर संपर्क करके भी विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं।
बात करेंगे थोड़ा सा टैरो की, व्यक्ति किस प्रकार टैरो से जुड़ सकता है और साथ ही साथ अपने जहन के तमाम प्रश्नों के उत्तर जान सकता है, ये आप हमें बताएं। जी देखिए, ये एक ऐसी विद्या है जिसमें कि 78 कार्ड्स हैं और 78 लाख प्रश्नों के उत्तर आप इससे दे सकते हैं और इससे पा सकते हैं। आप किसी के पास भी जाके अपने कोई भी प्रश्न हो, देखिए कई लोग होता है कुंडली के पास जाते हैं, किसी पंडित जी के पास गए पर उनके पास अपना समय नहीं है, सही जन्म तारीख नहीं पता कईयों को, तो उनके प्रश्न के उत्तर वो कैसे देंगे। ठीक है, ये एक जैसे प्रश्न कुंडली होती है ना, उसी वक्त किसी भी प्रश्न का उत्तर दे देना, उस तरह कैसे ये कार्य करता है, कोई भी प्रश्न का उत्तर। मैंने खुद देखा है कि कई बार कई प्रश्नों के उत्तर मैं कुंडली से नहीं निकाल पाती तो मैं खुद टैरो कार्ड से निकालती हूँ। तो आप इनका उपयोग किसी भी प्रश्न, कैसे भी तरीके का प्रश्न, खोया पाया कुछ भी, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्रश्न का उत्तर अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इससे पा सकते हैं। जी, कॉलर लेंगे, हमारे साथ राजेश जी जुड़े हैं, यूपी से हैं। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, बताएं क्या प्रश्न है आपका। नमस्ते। नमस्कार जी, बताएं। मेरे को नौकरी चेंज करने के लिए पूछना था, करें या ना करें अप्लाई। जी, नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं। जी, क्योंकि आपकी ये जो नौकरी है ना, इसमें जो आपकी सैलरी है वो काफ़ी कम है और अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी आ रही हैं। मैं देख रही हूँ कई तरह के जो आपके पास सहयोग हो रहे हैं कि आपके पास नौकरी के कई ऑफर्स आ रहे हैं, एक दो तो अवश्य ही आए हैं, आप इनको बिल्कुल पकड़ लें और एकदम बिना किसी नेगेटिव सोच के आगे बढ़े, आपका ये काम बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि जहां आप काम करते हैं वहां आपसे मेहनत बहुत कराई जाती है और आपको उसके स्वरूप आपको धन के जो आपकी सैलरी है वो बहुत कम है, इस बात से आप काफ़ी उदास रहते हैं, आपके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे। और मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा उपाय, आप दान ज़रूर करें, जो भी आपकी तनख्वाह है उसमें से चाहे आप 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये अवश्य दान के रूप में ज़रूर निकालें, आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा और आप एक तरीके के बहुत एक रसूख वाले व्यक्ति हैं कि आप चाहते हैं कि आपका सम्मान हो, जो आपने काम किया उसका सम्मान हो, तो अगर आपको कोई ऐसी नौकरी मिलती है जिसमें सम्मान हो तो बहुत अच्छा आप काम कर पाएंगे। आपके पास कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अगस्त तक मैं आपको बहुत अच्छे से सेटल देखती हूँ। आचार्य जी, एक विशेष प्रश्न मेरे जहन में आया है। हमने देखा है जितने भी ये टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं बहुत पॉजिटिविटी वाले होते हैं, इनके समक्ष भी जब कोई आता है तो स्वतः ऐसा महसूस करता है कि बहुत पॉजिटिविटी हमारे भीतर आ गई, लेकिन कई बार ऐसा एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहूँगी, कोई ऐसा उदाहरण जिसको समक्ष आपने देखकर आपने देखा हो कि अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और उसकी नेगेटिविटी ठीक करते करते आप में स्वयं भी कुछ ऐसा आभास हुआ हो, तो हम चाहेंगे थोड़ा सा एक्सप्लेन आप करें हमें। जी देखिए, लोग आते हैं हमारे पास वो पॉजिटिव होने ही आते हैं। कभी भी कोई व्यक्ति किसी पंडित, किसी टैरो कार्ड रीडर, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएगा अगर उसके जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है। वो तभी जाता है जब कुछ उसके जीवन में गड़बड़ होने वाली होती है, तो वो तब जाता है सलाह लेने और वो कई बार हमसे इतना कुछ ले जाता है, इतनी पॉजिटिवनेस ले जाता है कि कई बार खड़ा होना भी हमारा मुश्किल होता है, क्योंकि हम अपनी सारी एनर्जीज उनको खुश करने में, अपनी कई चीज़ें उनके जीवन में गलत होती हैं उनको सही, तभी हम आप लोगों को कहते हैं कि आइए आप हमसे मिलिए, हमसे आके पूछिए, ताकि जो हम पॉजिटिवनेस आपको देते हैं, जो आपको अपनी रेज देते हैं, आपकी नेगेटिविटी जो आपके सामने बैठकर हम लेते हैं तो उसमें बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है। जी, तो आचार्य श्री, रेमेडी स्वरूप आप उनको क्या विशेष बताती हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि जातक का प्रश्न क्या है, उसकी दशा, उसका कार्ड्स कैसे आए हैं, उसका जीवन में चल क्या रहा है। अब अगर कोई प्रेम संबंधी होता है तो हम उनको गुलाबी कपड़े पहनने के लिए बोलते हैं, रोज़ क्वार्ट्ज पहनवाते हैं, उनके ट्रायंगल्स देते हैं जो जिसको पिरामिड बोला जाता है, उनके कमरों में रखवाते, तो हर तरह का हर जो प्रश्न है उसके हिसाब से जो है रेमेडीज़ होती हैं, उसके हिसाब से हमारा जो मेन तात्पर्य होता है, जो हमारा जीवन का उद्देश्य होता है, वो आपके जीवन में सकारात्मकता लाना, आपके जीवन की जो कठिनाइयां हैं, जो मुश्किलें हैं, जिस वजह से आप परेशान रहते हैं, उन चीज़ों को आपके जीवन से हटाना, तो वो जैसा प्रॉब्लम है उस हिसाब से ही सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन स्वरूप आपसे जानूंगी, काफ़ी सारे ऐसे टैरो कार्ड रीडर्स भी हैं जो सजेस्ट करते हैं कि आप इस टैटू को बनवाएंगे तो आपको ये लाभ मिलेगा, ये टैटू मत बनवाइए, ये टैटू कहाँ से आया ये भी आप हमें बताएं। देखिए, टैटू तो कब नहीं था हमारे देश में,
हमारे देश में तो अगर आप पुराने गांव के या कबीले के लोगों को भी कई बार मैंने देखा, पूरा शरीर जो उनका होता है गुदा हुआ होता है। और जो पुराने लोग थे वो कहते थे कि अगर आपने आपके शरीर में केवल ये गुदा हुआ ही जो है टैटू जिसको आप बोलते हैं ये ही आपके साथ जाता है, वरना और कुछ तो आपके साथ जाता नहीं है। तो ये तो शुरू से ही हमारे देश में था, पहले मेलों में लिखवाया करते थे लोग अपने कभी पति का नाम, कभी अपने पिता का नाम, कभी अपना नाम, हाथों पे ओम लिखवाया करते थे। तो ये तो शुरू से था, पर रेमेडी के रूप में इसको मैं नहीं बोलूँगी, पर मैंने ये ज़रूर देखा है जिसको भी राहु की दशा, अंतरदशा या राहु का प्रभाव रहता है वो लोग ज़रूर टैटू करवाते हैं। जी आचार्य श्री, चूँकि आज हम टैरो की बात कर रहे हैं, टैरो में क्रिस्टल भी समाहित होते हैं, तो क्रिस्टल किस प्रकार कार्य करते हैं आप हमें बताएं। जी क्रिस्टल जो रहता है वो एक बहुत पॉजिटिव जो है स्टोन है, ये बहुत पॉजिटिवनेस लाता है और आपके जो ऑरा होता है, जो आपका अट्रैक्शन होता है उसको बढ़ाता है। तो क्रिस्टल का यूज़ करना, चाहे आप अपने किसी ज्वेलरी के रूप में करें, ब्रासलेट के रूप में करें, आप अपने कमरे में किसी शोपीस के रूप में रखें, तो वो बहुत ही पॉजिटिवनेस उस जगह की बढ़ाता है। टैरो कार्ड रीडर्स भी क्रिस्टल्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और ये एक बहुत उच्चतम प्रयोग रहता है क्रिस्टल का। साथ ही साथ स्वेटिक भी एक क्रिस्टल का ही रूप है। अगर आप लक्ष्मी जी चाहते हैं, देखिए लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए अपने जीवन में, आप लोग अगर लक्ष्मी को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्रिस्टल की माला से लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें, तो उससे भी आपके जीवन में जो पैसा है, धन है, उसकी प्राप्ति आपको होती है। जी एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें, यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पा रहा हो, संपर्क नहीं हो पा रहा हो, आपके जहन में कोई प्रश्न है, कार्यक्रम से जुड़ा कोई क्वारीज हैं, तो स्क्रॉल में नीचे लगातार हमारी ईमेल आईडीज फ्लैश हो रही हैं, आप तुरंत उस ईमेल आईडी पर संपर्क करके विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। आचार्य, हमने सुना है इसमें स्प्रेड्स भी होते हैं, वो क्या कार्य करते हैं आप हमें बताएं। जी देखिए, जैसे कई प्रश्न होते हैं कि कई लोग यस या नो में आंसर जानना चाहते हैं उसका, तो हम दो कार्ड्स निकालते हैं कि ये या वो। कई बार कोई जातक अपना पास्ट जानना चाहता है, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, कि उसका क्वेश्चन इस विषय का होता है कि हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि उसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या था और अब फ्यूचर क्या होगा, कोई ऐसा क्वेश्चन है, तो हम थ्री कार्ड स्प्रेड लगाते हैं। एक होता है सेलेस्टिकल स्प्रेड, उसमें हम पूरा एक क्रॉस होता है वो बनाते हैं, उसके हर जीवन के हर तरीके के उसके जो प्रश्न हैं उसके उत्तर देते हैं, उसमें उसकी संपूर्ण जिंदगी आ जाती है, वो एक क्रॉस की तरह होता है। इसके अलावा कई बार जो लोग रहते हैं वो दुविधा में रहते हैं कि यस या नो, तो हम उनको यस या नो के लिए भी कार्ड जुटवाते हैं, जैसे चॉइसेस हैं लाइफ में, तो वो भी इसमें कई तरह के स्प्रेड्स रहते हैं। लव रिलेशनशिप स्प्रेड रहता है, कई लोग किसी रिलेशनशिप प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं या उनकी एक साथ कई रिलेशनशिप होती है, तो इस तरह के कई तरह के ऐसे आंतरिक प्रश्न भी होते हैं, उनके लिए अलग अलग स्प्रेड्स रहते हैं। स्प्रेड से हम बता पाते हैं कि प्रश्न के हिसाब से हम स्प्रेड्स लगाते हैं उसके, कि कौन सा स्प्रेड इस प्रश्न के लिए उसके लिए जाएगा। नॉर्मली मैं प्रेफर करती हूँ थ्री कार्ड स्प्रेड, कि इसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या होगा। उसमें सबसे इजीली जो है उसका जो भी उसके जानना चाहता है वो निकल के आ जाता है। आचार्य, जैसा कि कहा जाए ज्योतिष में गणना की जाती है, तो टैरो कार्ड में भी आप गणित लगाते हैं, गणना ही करते हैं। जी गणना करनी ही पड़ती है, क्योंकि लोग पूछते हैं कितने दिन में काम होगा जी, मेरे जीवन में कब कोई क्या आएगा, तो उनको डेट्स तो हमें देनी ही पड़ती हैं, तो इसके हिसाब से उनके कार्ड्स को कैलकुलेट करके, इन कार्ड्स में आप अगर ध्यान से देखेंगे नंबर्स भी होते हैं, तो हम उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके और अपनी इंट्यूशन के द्वारा उनको बताते हैं इतने दिन में आपका काम होगा। जी चलते चलते संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेष बताएंगे आप? जी मैं आपको बोलना चाहूँगी, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, जीवन किसी का भी कैसा भी क्यों ना हो, हर एक जीवन में कठिनाइयाँ होती ही हैं, उनको एक अच्छे सकारात्मक सोच के साथ अपनी कठिनाइयों को जूझते हुए आगे बढ़िए और खुश रहिए। बिल्कुल, जीवन एक ऐसा चक्र है जिसमें सुख दुख का पहिया लगातार चलता रहता है, लेकिन वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उस चक्र को किस प्रकार चलाना चाहते हैं। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, लेकिन जैसा कि लगातार हम बताते हैं आपके जहन में कोई प्रश्न है, कोई क्वारीज है कार्यक्रम से जुड़ी, तो कार्यक्रम के अंत में आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे आपके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए। आचार्य जी, आज भी आपकी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।